नमस्कार सभी भाइयों को बहुत लोगों का कमेंट आता है कि लीवर टॉनिक कब पिलाना चाहिए सुबह शाम दोपहर खाने के पहले या खाने के बाद मैं सारे डाउट आप लोगों का क्लियर कर देता हूं ये लीवर टॉनिक अगर बात करें बकरियों के लिए तो सबसे बेस्ट जो होता है ब्रोटोन होता है लेकिन देने का तरीका भी होना चाहिए आपके पास कैसे आप दे रहे हैं हमारी ट्रेनिंग इस महीने भी पहली नवम्बर को शुरू हो रही है तो ज्वाइन करना है तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं और दिसंबर में भी जनवरी में भी हर महीने पहली तारीख से शुरू होगी तो लीवर टाइम देने का सबसे अच्छा जो तरीका होता है वो होता है आप अगर खाली पेट देते हैं तब भी सही है अगर आप चारे में मिलाकर कई बार हम लोग क्या करते हैं चारे में मिलाकर दे देते हैं जैसे दाना मिश्रण जो बनाते हैं उसमें मिलाकर दे देते हैं नहीं तो आप डायरेक्ट सीरीज जैसे हमारे पास जो भी है इनका वजन तीस से पैंतीस के जी तो देखिए कैसे पिलाया जा रहा है दस एम हम लोग दे रहे हैं दस एम एल का डिस्पोजल है पाँच से दिखाई दिखाइए जी कैसे पिलाया जा रहा है ठीक ना तो मैं आपको दिखा रहा हूँ जैसे इस बकरी को पिलाया जाएगा अभी इस बकरी पे

वो होता है कि बकरी जब डिवॉर्मिंग आप कर रहे हैं जब भी बकरी का डिवारिंग कर रहे हैं जैसे कीड़े मारने की दवा बोलते हैं कीड़े मारने की दवा दे रहे हैं उसके ठीक तीन दिन बाद मतलब आज हमने दिया कीड़े मारने की दवा उसके तीसरे दिन के बाद मतलब आज नहीं पिलाएंगे कल भी नहीं पिलाएंगे परसों भी नहीं पिलाएंगे ऐसे ही हम लोग डिवारिंग भी करते हैं सुबह में उठ कर देते हैं नहीं तो ज्यादातर केस में हम लोग रात में करते हैं नौ दस में करीब में कीड़े की दवा ऐसे ही निकाल लेते हैं और वजन के हिसाब से 30 किलो पे 10 एम एल कीड़े दवाई से ही पिला देते हैं तो आप भी अगर अच्छी ग्रोथ लेना चाहते हैं कई बार होता है बकरिया खाती है लेकिन मोटी नहीं होती है ठीक ना तो खाते वक्त तो मोटी नहीं हो रही है तो उसमें लीवर में इंफेक्शन हो सकता है लीवर कमजोर हो सकता है तो उस कंडीशन में आप लीवर टानी जरूर चलाएं जैसे कि चमक नहीं आ रहा है बॉडी पे मोटी नहीं हो रही है ऐसे बकरियों का थोड़ा पेट आपको पचका दिखेगा ठीक है उठा हुआ नहीं दिखेगा क्योंकि सुबह का समय है खाली पेट है सभी बकरिया और खाली पेट इसलिए हम लोग दे रहे हैं कि खाली पेट देंगे तो थोड़ा बहुत क्या होगा पचेगा जल्दी क्योंकि इसमें एल्कोहल होता है आप लोगों को शायद नहीं मालूम है बता तो दू नाइन पॉइंट फोर परसेंट इसमें एल्कोहल होता है एल्कोहल जो दारू जिसे बोलते हैं लोग तो एल्कोहल होता है जिससे पियेंगे बकरी तो एब्जॉर्ब होता है सबसे ज्यादा बॉडी जो एब्जॉर्ब करती है सबसे पहले मतलब तो कोई भी दवा ले लीजिए कोई भी टानिक या कोई भी आप जूस पी रहे हैं तो उसमें सबसे तेज जो काम करता है अल्कोहल काम करता है इसीलिए लोग पीने के बाद नशे में झूम उठते हैं और बकरी को प्रोटोन देने से यही फायदा होता है अल्कोहल की मात्रा सबसे ज्यादा है मैं आपको बता दू बहुत मन से बकरियां पीती है देखिये इसको मैं ऐसे कर रहा हूँ देखिए और छोड़ दिया जाए इसको डालकर कहीं पे तो सभी बकरियां पी जाइए क्योंकि इसका स्वाद जो होता है मीठा लगता है तो आप ऐसे सिरिंज से सभी बकरियों को पिला सकते हैं बच्चों को भी दे सकते हैं तीन किलो पेवन मिल जो छोटे बच्चे हैं तीन किलो पेय के मिल दीजिए अब बकरी है तो 20 से 30 किलो पे 10 एम जो गाभिन है उसको भी दे सकते हैं जो खाली है उसको भी दे सकते हैं जो हीट में है उसको भी दे सकते हैं ठीक है वैक्सीन लगाए हैं तब भी आप दे सकते हैं कोई दिक्कत नहीं होता है आप कोशिश करें अगर आप महीने में पाँच दिन भी दे दे तो अच्छा है अगर आपने कभी नहीं दिया है तो कीड़े मारने की दवा दिए हैं तो दस दिन आपको लगातार देना है उसके बाद दस दिन रुक कर दोबारा दस दिन दे, दे देना है अगर आप कभी नहीं दिए तब और देते हैं तो महीने में एक बार देखिए इस बच्चे को पिलाया जा रहा है लमसम दो से तीन बार पिलाया जा रहा है इसको क्योंकि यह थोड़ा बड़ा है बच्चा तो ऐसे आप सभी बकरियों को लिवर टनिक मॉर्निंग में भी दे सकते हैं इवनिंग में भी चारे मिलाकर लेकिन मैं यही कहूंगा आपको सुबह के समय बकरियों को और जैसे हम लोग को पता है किसको किसको दिया गया तो उस हिसाब से हम लोग दे रहे हैं तो सुबह में आप बकरियों को लिवर टानिक भी दे सकते हैं तो कोई भी सिरप हाँ हो जो भी सिरफ आपके पास है बचा हुआ कोई भी जिसको आप नहीं पिलाएं उसको दे सकते हैं कोई भी दवा दे रहा है न्यूरोकाइन हो गया चाहे कैल्शियम हो गया कैल्शियम भी कई लोग पूछते हैं सर कब पिलाएं कैल्शियम भी आप ऐसे पिला सकते हैं और यह ध्यान रखें जब आपके पास ज्यादा बकरियां तो एक को पिला रहे हैं तो इससे बाहर निकाल दें पिलाते जाए बकरी को बाहर निकालते जाए इससे क्या होगा आप भूलेंगे नहीं किस बकरी को पिलाएं किसको नहीं लेकिन लीवर टॉनिक है कैल्शियम है अगर आप गलती से किसी को दो बार पिला देते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं होगा लेकिन अगर आप कीड़े की दवा पिला रहे हैं तो वहां पे सावधानी रखनी है या कोई भी इंजेक्शन दे रहे हैं आप वैक्सीन कर रहे हैं तो कोई भी इंजेक्शन या कोई भी वैक्सीन आप लगा रहे हैं बकरी को या कीड़े की दवा दे रहे हैं जो नुकसान करता है उसमें विशेष ध्यान रखें एक आदमी को रख लें उसको बाहर निकालता रहे उसके बाद आप पिलाना शुरू करें है तो जो बकरी हमारे पास बच्ची है सभी को पिलाया जाएगा उसके बाद आठ नौ बजे करीब में आधा सूखा चारा आधा भूसा जो है जो सूखा चारा का भूसा हमारे पास है गेहूँ वाला गेहूं का सूखा चारा और आधा जो हरा चारा है वो मिलाकर इसमें डाल दिया जाएगा तो बकरी अपना खा लेंगी तो हम लोग रूटीन मेंटेन करते हैं तो ऐसा आप भी करें और ट्रेनिंग नहीं लिए तो जरूर लें जिससे आपको प्रॉपर वे पता चले कि बकरी पालन हम करते हैं तो क्या क्या ध्यान रखना है और कैसे करना है ना इसका बात का ध्यान रखें आप और ओके धन्यवाद